चलो भाई, देखो मैपाल भाई घुस गया अंदर, अब क्या करें, अपने पास काटने के लिए भी कुछ नहीं है, झाड़ी में तो घुसना ही पड़ेगा। अब थैला कुछ थैला थैला हाँ थैला बहुत जरूरी है। घुस जा घुस जा घुस जा, अरे घुस गया भाई ये। अबे कहाँ चला गया, गायब हो गया। देख रहे दोस्त इतनी खतरनाक झाड़ी है, गायब हो गया। बाप रे, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि जो पहाड़ों में मशरूम होती है, जिसको हम पहाड़ी लोग सिंगान बोलते हैं, वो बरसात में ही होती है। तो आज हम ढूंढने चले हैं इसको जंगल में। बस वीडियो में बने रहें और दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे जंगलों में यहाँ पे मशरूम होती है, वो भी फ्री में, और कहाँ तक मिलेगी कहाँ तक नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ये मशरूम है, बट मुझे लगता है कि सूंघने से मशरूम वाला टेस्ट नहीं आ रहा इसमें, जो मशरूम में आता है। तो मुझे लग रहा है कोई दूसरी चीज़ है, इसको खाना अच्छा नहीं, इसको फेंक देते हैं। चलो भाई फिर चलते हैं, और मैपाल भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी है सिंगान, कहाँ है मैं जरा देखता हूँ, चेक करना पड़ेगा कौन सिंगान है। अरे वाह, लग तो सिंगान रही है। तो दोस्तों ये देखिए, ओ माय गॉड, अरे वाह सिंगान है यार। दोस्तों इसमें खुशबू नहीं है और उसकी पहचान होती है, ये जल्दी से टूट रहा है। देखिए ये जो मशरूम होती है ना खाने वाली अच्छी वाली, वैसी टूटती नहीं है, उसका जो तना होता है ना वो लचीला होता है, और उसमें मशरूम का फ्लेवर टेस्ट भी आता है। तो ये भी, तो ये देखिए दोस्तों, हम दोनों लोग जा रहे हैं जंगलों में, और आज लानी है शाम के लिए मशरूम की सब्जी, वो भी फ्री में। तो भाई ये देखिए, दोस्तों इसमें खुशबू नहीं है और उसकी पहचान होती है, ये जल्दी से टूट रहा है। देखिए ये जो मशरूम होती है ना खाने वाली अच्छी वाली, वैसी टूटती नहीं है, उसका जो तना होता है ना वो लचीला होता है, और उसमें मशरूम का फ्लेवर टेस्ट भी आता है। तो ये देखिए दोस्तों, हम दोनों लोग जा रहे हैं जंगलों में, और आज लानी है शाम के लिए मशरूम की सब्जी, वो भी फ्री में। तो भाई ये देखिए, तो भाई 2 किलोमीटर पूरे चक्कर मार लिए पहाड़ के ऊपर नीचे, कहीं भी मशरूम नहीं मिल रही है। और भाई बोल रहा है कि अभी वो सामने वाली पहाड़ी है ना, वो साइड में जाएंगे 2 किलोमीटर, वहाँ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उस साइड में ना खेत हैं पुराने वाले, तो हो सकता खेतों में होती हो। पहले तो हम लोग खूब ले जाते थे, बट आजकल के टाइम तो दिख नहीं रहा कहीं। क्या है ये देखा, पूरा पहाड़ी घूम लिए कहीं मशरूम नहीं मिला हमें, और हम एक धार से दूसरी धार जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती है, कोई पता नहीं है, बस चलते जाना। बोलते ना फ्री की चीज़ इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो वही है, पहाड़ों में भी बड़ी मुश्किल से मिलती है फ्री की चीज़। चलो दोस्तों फिर चलते हैं। आ गए हम नदी में, ये देखिए ये सामने नदी है, और हम अपने घर के ऊपर वाली पहाड़ी से नीचे आके अब हम जाएंगे इस साइड वाली पहाड़ी पर, जिस साइड में पुराने ज़माने के खेत हैं उन्हीं खेतों में, वहाँ हो सकता है खेतों में, क्योंकि मशरूम जो है खेतों में निकलती है, जंगलों में भी निकलती है, पर इस साइड में तो कहीं नहीं था। एक तो झाड़ी इतनी बड़ी बड़ी है ना, दिख भी नहीं रहा है,
कोई कोई तो झाड़ियों के अंदर बन निकलती है तो वो दिखाई नहीं दे रही है। ये है जी, और ये देख रहे हैं आप, मच्छरों ने पूरा खा दी टांगे, खोपड़ी खा रहे मच्छर। ओहो दोस्तों, ये हमारे यहाँ का ठंडा पानी, पानी पी लेते हैं। चलो दोस्तों, पानी तो पी लिया पर मुंह भी धो लेते हैं। वाह, मच्छरों ने पूरी टांग लाल कर दी खा खा के। हाँ, ऐसे जंगलों में मच्छर इतने और रखे जिसका कोई जवाब नहीं। सिंगा नहीं मिल तुम दे? अबे यार मुझसे पता क्या हैं? अबे यार हम भी सोच रहे हैं उधर पूरा गए हम उस साइड में, ऊपर पूरा जंगल 2 किलोमीटर, कहीं नहीं मिले। अरे इस साइड में है ही नहीं यार, तो कुछ मिला नहीं, चार एक भी नहीं मिला। नहीं, लकड़ी लेके आ गया हम। अबे तूने सही किया, लकड़ी ले आया यार, बस क्या करे परसों। तो भाई सिंगान के चक्कर में हम ही नहीं है तलाश में, कई लोग सिंगान के चक्कर में जंगलों में भटक रहे हैं पर किसी को नहीं मिल रही है। पर मैं इस साइड में जाऊंगा, ऊपर तो नहीं गया इस साइड में? हाँ, तो मैं जाऊंगा वहाँ, देखो मेरी किस्मत क्या बोलती है भाई आज, नहीं तो सिंगान की सब्जी बहुत अच्छी। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे यहाँ के अचलेश्वर महादेव का मंदिर है शिव जी का, और यहीं से हम चढ़ेंगे इस वाले रास्ते से ऊपर। फिलहाल ये भाई तो नीचे गया अपने लिए ढूंढने के लिए, मैंने कहा मैं थोड़ा सा आराम ही कर लेता हूँ यार, क्योंकि मुझे मुश्किल लग रहा है, एक टीम तो नीचे खाली जा रही है, तो शायद है कि हम भी। बाप रे, इस चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते मर गए हम, देखिए नीचे से कितनी खतरनाक चढ़ाई है। इस देख रहे हैं आप इस ढलन को, पसीने निकल गया इसमें। हाँ, पर हम छोड़ेंगे नहीं, आज जहाँ भी जाना पड़े, चाहे हमें 5 किलोमीटर जाना पड़े, हम जाएंगे और लेके आएंगे शाम के लिए। बोलते ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो तो देखिए दोस्तों, यहाँ आने पे ऐसी वाली मिली है, देखिए। अब ये मशरूम तो नहीं है, ये कोई जंगली जहर है, इसको खा के तो मर ही जाएंगे। ओ मान बाल, अरे मिल जो, आप दिमाग ही खराब हो गया यार, बाप रे। तो दोस्तों काफ़ी इधर उधर भागे मगर कहीं नहीं मिल रहा ये पहाड़ी लाइफ है भाई, बट मज़ा भी आता क्योंकि इसमें ट्रैकिंग भी हो जाती है अपनी। वैसे तो इंसान भाग नहीं पाता, चल नहीं पाता, पर लाच फ्री के लालच के चक्कर में आदमी भाग ही लेता है। तो देख रहे हैं आप, पूरी पसीना हो गई है, पूरी टी शर्ट गीली हो गई है। तो मिलते हैं फिर थोड़े से ब्रेक के बाद। कहाँ पे कौन मथिमा? अरे बाप रे, देख लो दोस्तों आज हमारे यहाँ के बहुत पुराने खेत हैं। ओहो लग रहा मुझे भी, हाँ यार वो मंजिल आ गई है, ये है वो, ये देखिए इसी की तलाश में पहुँचे थे हम पिछले 2-3 घंटे से, परेशान हैं। वाह, इसकी तो भाई जड़ी आ गई। तो ये है वो, ये देखिए, और शाम को बनेगा अच्छा खासा सूप भाई, जो इतना ही मिलेगा इतना ही रहेगा तो फिर सूप बनेगा, और ज़्यादा मिलेगा तो सूप एंड सब्जी बनेगा, बहुत मज़ा आएगा। पूछना पड़ेगा, बाप रे यहाँ पूछना पड़ेगा क्या? ये बाप रे, आह बड़ी कंटेली झाड़ी है, कहाँ है देखो इस झाड़ी के अंदर, ये झाड़ी दिख रही है ऊपर, ये वाली इसी के अंदर। थोड़ा सा कैमरा डाल के देखूंगा ना यहाँ पे कैसी है। हाँ है भाई, बहुत है। ये देखिए दोस्तों, अब हम तो घुस नहीं सकते इसमें, तो पहले झाड़ी तोड़नी पड़ेगी। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी सारी हैं,
बन गई सब्जी मस्त। ये देखिए ये झाड़ी में गया कैमरा, रबड़ निकालो ही निकाल। बहुत खींच दो सर। ये टूट गया, कोई बात नहीं टूट गया। ये देखो जी, तो भाई ये है कितनी बड़ी बड़ी है, देख रहे हैं आप। वाह क्या क्या खुशबू है। ये है भाई ओरिजिनल मशरूम। वाह क्या खुशबू है। अभी और भी निकालनी है, बस बने रहे, देखते हैं झाड़ी को काट के फिर अंदर घुसते हैं। ये बाप रे। चलो दोस्तों और है भिंडी जी की। हाँ बस ये जाए ढेर लगे देख। हाँ भाई तो हो रहे भाई, आवाज करनी पड़ती है, जानवर का डर है भाई, चुबुलटू चुबुलटू खा जाएगा। ओ सागो नहीं है फुल हाँ दिन पर बना बुहाना अंदर से। बाप रे मरने वाले काम हो गए भाई। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मरने वाले काम है। ऊपर से कोई जानवर आ गया, बाघ आ गया, सुअर आ गया, भालू आ गया, खा जाएगा हमको। वो भी सब खाने के चक्कर में घूम रहे होंगे, मर जाएंगे। मैं डाल 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 हैं। ओ मर गए भाई झाड़ी में। बाप रे कहाँ जाए कहाँ जाए। खबर तो कम बोल। ये देखिए दोस्तों ये मिला हमें पहाड़ी पहाड़ी बैल, बहुत खतरनाक, बाघ से भी लड़ सकता है। क्या हो गया ना, हरामी बाघ के साथ लड़ लड़ के पहलवान बन गया क्या। सिंह देखिए इसकी, कई बार छूट चुका है बाघ से। देखो दोस्तों ये क्या देख रहे हैं आप, ब्लड लगा हुआ है इसमें यार, खून कहाँ से लगा इसमें यार। देख रहे हैं दोस्तों कितना खतरनाक काम है ये जानवर। बाप रे पता नहीं किस जानवर ने खाया यार इसको, क्या मोर है खून वाला जानवर कहना एक खून वाला कहना है करना हाथ नहीं खाना। बापरे शर्म धर्म रहिए। ए बाप रे पहाड़ों की जिंदगी बड़ी मुश्किल है दोस्तों। ये देखिए करीब 2.5 से 3-4 किलो तक की हमें 3 किलो तक की है निकल चुकी है मशरूम, तो फुल मजा आ गया भाई। बाकी तो खा के ही मालूम पड़ेगा, ढंग से चेक करनी पड़ेगी घर पे कि कैसी है ये। तो रख दे बेटा शाबाश, मेरे काला, मेरा नीला, मेरा पीला, यहाँ रख दे बच्चे, वेरी गुड। अब बेल्ट छके एक से पहले ना ना, ये बेल्ट ना, शाम के टाइम बहुत भीड़ होती है। ये देखिए ये पानी के पास पानी तो अंदर, पानी तो अंदर, यहीं रख दे, यहीं रख दे, यहीं रख दे, यहाँ पर ऐसे धोएंगे ना, इनमें साफ धोएंगे ना, ऐसे करके धोएंगे ना तो बहुत अच्छे से धुल जाएगी, साफ हो जाएगी एकदम। यस एकदम ठीक है, फुल पानी मस्त है। ये कुड़ू को ध्यान ना यार, हाँ फिर आने का भैया चलो इनमें जाना एकदम। बराबर मजा दिया ठीक है, हवा दिया साफ बड़ा साफ।
दोस्तों ये वाला हिस्सा होता ना जो जमीन फाड़ के निकलता है, ये वाला बाहर इसको ढंग से धोना चाहिए यहाँ पे, ये वाला ये धोना है ऐसे, ये अब ये साफ हो गया पानी से एकदम। इसको तोड़ के डाल दूंगा मैं थैले में, खराब आ जाता हमारा डंठल, ये जो पूरा काला काला दिख रहा है जमीन के अंदर घुसा हुआ, इसको धो दूंगा। ये देखिए ये हो गया साफ, बस बंद करते हैं बटन। तो दोस्तों हमारी गांव की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पहाड़ों की ऐसी वीडियो काफ़ी सारी आप लोगों के लिए नई नई लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।